हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डीआईवाई ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे कुछ पुराने टॉप्स थे, वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे और काफ़ी पुराने भी हैं, तो मैं उन्हें पहनती नहीं हूँ अब। तो मैंने सोचा इनसे कुछ नए टॉप बनाए जाए। तो आपने ये टॉप ना काफ़ी ऑनलाइन देखे होंगे, क्योंकि मैंने जो इंस्पिरेशन लिए वो ऑनलाइन से ही लिए। और इन्हें बनाना काफ़ी ईजी है और ये काफ़ी स्टाइलिश भी है और काफ़ी चल भी रहे हैं आजकल। तो मैंने काफ़ी ईजी वे से आपको समझाया हुआ है आगे, तो वीडियो को पूरी देखना, उसको स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। मैं इसके स्लीव्स रिमूव कर दूंगी, मैंने स्लीव्स रिमूव कर दिए हैं। अब मैं न्यू आर्म का मार्क लगा लूंगी एंड टॉप की लेंथ का मार्क लगा लूंगी। मैंने इसकी लेंथ 17 इंच ली है। 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए नया आर्म का मार्क लगा लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब मैं बॉटम में साइड में ऊपर की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगा लूँगी एंड अंदर की तरफ 3.25 इंच का मार्क लगा लूँगी। देन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कर्व ड्रॉ कर लूँगी। सेम दूसरी साइड भी कर लूँगी, देन इसे कट कर लूँगी। मैंने कट कर लिए हैं। इसके बीच का गैप वेस्ट राउंड के 1/4 पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ये रॉन्ग साइड है। अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी। सेम इसमें भी कर लूँगी। मैंने स्टिच लगा ली है। अब मैं साइड में भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी। फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बीच में गैप होना चाहिए ताकि इसमें स्ट्रैप्स जा सके। मैंने साइड में स्टिच लगा ली है। आर्म्स में मैं ओवरलॉक स्टिच लगाऊंगी। अब मैं स्ट्रैप्स बनाऊंगी। तो मैंने टॉप्स की स्लीव्स को लिया है, मैं इससे स्ट्रैप्स कट कर लूँगी। मैंने स्ट्रैप्स की विड्थ 1.5 इंच ली है एंड लेंथ मैंने सेम स्लीव की लेंथ ली है। मैंने 4 स्ट्रैप कट कर ली है। यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। इसे दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, देन डबल फोल्ड करना है एंड इसमें स्टिच लगा लूँगी। अब मैं इसमें स्ट्रैप्स अटैच करूँगी एंड इट्स डन। मैं ये रिमूव कर दूंगी, स्लिप्स भी रिमूव कर दूंगी, इसे भी रिमूव कर दूंगी। मैंने सब रिमूव कर लिए हैं। अब मैं न्यू आर्म ड्रॉ करूंगी। मैं यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करूंगी नीचे तक। अब मैं टॉप की लेंथ का मार्क लगा लूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग टॉप की लेंथ का मार्क लगा लेना। अब यहाँ से नीचे की तरफ 0.75 इंच का मार्क लगा लूंगी एंड ऊपर की तरफ भी सेम 0.75 इंच का मार्क लगा लूंगी। देन दोनों मार्क को मिला लूंगी। अब इसे कट कर लूंगी। मैंने ये कट कर लिए हैं। मैं इसके साइड में स्टिच लगा लूंगी ताकि ये लूज ना हो। नेक एंड आर्म के लिए स्ट्रैप कट करूंगी। मैंने ये 2 स्ट्रैप कट की हैं, जिनकी विड्थ 1.5 इंच है एंड लेंथ मैंने नेक और आर्म के अकॉर्डिंग ली है। इन्हें आपस में जोड़ लूंगी, देन इसे नेक पर अटैच कर लूंगी। सेम मैंने आर्म के लिए भी 2 स्ट्रैप कट की है, इसे भी आपस में जोड़ लूंगी, देन आर्म पे अटैच कर लूंगी। ये टॉप का बचा हुआ पार्ट है, इससे मैं 2 वाइड स्ट्रैप कट कर लूंगी, जिसकी लेंथ मैंने पूरी ली है एंड विड्थ 4 इंच ली है।
देन इसे कट कर लूँगी। मैंने ये टॉप की स्लीव्स ली है, इससे भी मैं 2 स्ट्रैप्स कट करूँगी, तो इसकी लेंथ भी मैंने पूरी ली है एंड विड्थ सेम 4 इंच ली है। देन इसे कट कर लूँगी। मैंने 4 स्ट्रैप्स कट कर ली है। मैंने आपस में जोड़ लूँगी। मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं कॉर्नर पे शेप दे दूँगी। अब इसके मिड से मैं दोनों साइड 6 इंच का मार्क लगा लूंगी। ये ओपन रहेगा एंड पूरे में स्टिच लगा लूंगी। मैंने स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। बॉटम में ऊपर की तरफ 0.5 इंच का मार्क लगा लूंगी। अब मैं 6 इंच का मार्क लगा लूंगी। सेम मार्क पीछे भी लगा लूंगी। मैं इसे अटैच कर लूंगी। यहाँ पे स्टिच लगा लूंगी। यहाँ पे स्टिच लगा लूंगी एंड इट्स डन।